आदरणीय सुनने वालों, ऋक्षराज नाम का एक शक्तिशाली कपि था। एक दिन वह घूमता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां निर्मल जल का एक छोटा सा गुप्त सरोवर था। उसका निर्मल जल देखकर ऋक्षराज उसमें स्नान करने चला गया। वह सरोवर ब्रह्मा जी के पसीने से बना था और उस सरोवर की एक विलक्षणता थी कि यदि कोई पुरुष उसमें स्नान करेगा तो वह सुंदर स्त्री बन जाएगा और स्त्री पुरुष। ऋक्षराज को इस बात का ज्ञान नहीं था। वह तालाब से स्नान करके निकला तो वह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। देवराज इंद्र ने स्त्री बने ऋक्षराज को देखा तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसके साथ रहने लगा। कालांतर में ऋक्षराज ने बाली और सुग्रीव को जन्म दिया। इंद्र के पास एक ऐसा स्वर्ण हार था जो ब्रह्मा जी ने उसे दिया था, जिसके पहनने के बाद अपने दुश्मन से युद्ध करते समय उसके सामने वाले दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण हो जाती थी। बाली जब किशोरावस्था में आया तो इंद्र ने वह हार बाली को दे दिया, जिससे बाली एक तरह से अजय हो गया। कोई भी दुश्मन उसके आगे अधिक देर तक टिक नहीं पाता था। बाली किष्किंधा का राजा बन गया। उसका विवाह तारा के साथ और सुग्रीव का रूमा के साथ संपन्न हो गया। एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश से नारद जी लंका की ओर जा रहे थे। बाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद जी ने उसे कहा, नारायण नारायण, बाली लंका पति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। और उन्होंने बाली से चुटकी लेते हुए कहा, अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य हो जाएगा और सारे प्राणी यहाँ तक कि देवता गण भी उसे शीश नवाएंगे। बाली ने नारद से कहा, नारद जी, रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल निर्बल को दबाने के लिए किया है, मैं निर्बल नहीं हूँ। आप जा रहे हैं तो यह बात रावण को स्पष्ट कर दीजिएगा। नारद जी ने यही बात रावण को जाकर बता दी तो रावण को बाली पर क्रोध आ गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने रावण से भी चुटकी लेते हुए कहा, नारायण नारायण, लंकापति रावण, एक वानर के लिए आप पूरी सेना ले जाएंगे? आपके सम्मान के लिए क्या यह उचित होगा? रावण तुरंत नारद की बात से सहमत हो गया और अकेला ही अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास चला गया। बाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था। बाली के मुख का तेज देखकर रावण घबरा गया और उसने बाली पर पीछे से वार करने की चेष्टा की। बाली पूजा अर्चना में लीन था, फिर भी उसने रावण को अपनी पूंछ में लपेटकर उसका सिर अपनी बगल में दबाकर रख लिया और संध्या वंदन करके उसने रावण को उसी अवस्था में पूरे विश्व में घुमा दिया, ताकि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देख लें और उनके मन में रावण का भय निकल जाए। कितने समय तक ऐसी अवस्था में रहने के बाद असहाय रावण ने बाली से कहा, बाली, मैं तुम्हारे बल और शक्ति का सम्मान करते हुए अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ और आपके समक्ष मैत्री का हाथ बढ़ाता हूँ। बाली ने रावण को छोड़ दिया और उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। मायावी और दुंदुभी राक्षस मयासुर दानव के पुत्र थे। दुंदुभी को अपने बल पर इतना अभिमान हो गया था कि उसने सागर को युद्ध के लिए ललकार दिया। हालांकि सागर राज उसका अभिमान तोड़ सकते थे, परंतु उन्होंने दुंदुभी से कहा, तुम जैसे वीर से मैं युद्ध करने में असमर्थ हूँ। तुम युद्ध करना चाहते हो तो हिमवान के पास चले जाओ। दुंदुभी हिमवान के पास गया तो हिमवान ने भी उससे युद्ध करने के लिए मना कर दिया और उसे बाली के पास भेज दिया। दुंदुभी ने किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर बाली को द्वंद युद्ध के लिए ललकार दिया। बाली ने पहले तो दुंदुभी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली द्वंद के लिए राजी हो गया।
बाली ने दुंदुभी को बड़ी बुरी तरह लहूलुहान कर दिया और उसे उछालकर एक योजन दूर फेंक दिया। दुंदुभी के शरीर से टपकती रक्त की बूंदें ऋष्यमुख पर्वत पर महर्षि मतंग के आश्रम में गिर गई। अपने आश्रम में रक्त बूंदें देखकर महर्षि मतंग को क्रोध आ गया। उन्होंने बाली को शाप दे डाला, बाली यदि तू कभी भी मेरे आश्रम के एक योजन के दायरे में आया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। बाली ने कभी भी ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाने की चेष्टा नहीं की। दुंदुभी की मृत्यु के पश्चात एक रात उसका भाई मायावी किष्कंधा आ गया और उसने बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया। बाली की पत्नी तारा इतनी रात में द्वंद्व युद्ध करने से मना कर रही थी, परंतु बाली ने तारा की बात नहीं मानी और वह मायावी के पीछे चला गया। बाली का छोटा भाई सुग्रीव भी बाली के पीछे चल दिया। भागते भागते मायावी एक कंदरा में घुस गया। मायावी के पीछे कंदरा में जाने से पहले बाली ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव जब तक मैं मायावी का वध करके लौट नहीं आता तब तक तुम इस कंदरा के द्वार पर खड़े होकर पहरा देते रहना। सुग्रीव उस कंदरा के द्वार पर खड़े होकर पहरा देता रहा। लगभग एक वर्ष के बाद सुग्रीव को मायावी की चीख सुनाई दी, परंतु उसे बाली का कोई भी स्वर सुनाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उस कंदरा से उसे रक्त बहता हुआ नजर आया तो सुग्रीव ने सोचा शायद उसका भाई युद्ध में मारा गया है, तो उसने उस कंदरा के मुहाने पर एक शिला लगाकर उसका द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा वापस आकर उसने यह समाचार सबको सुना दिया। मंत्रियों ने सलाह कर आनन फानन में सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। कुछ समय पश्चात बाली किष्किंधा में वापस आ गया। उसने अपने भाई को राजा बना देखा तो वह उस पर क्रोधित होकर बोला, सुग्रीव मैंने तुझे कहा था कि जब तक मैं मायावी का वध करके लौट नहीं आता तब तक तुम कंदरा के द्वार पर खड़े होकर पहरा देते रहना, और तूने मेरा इंतजार नहीं किया। तुझे राजा बनने की बहुत जल्दी मची हुई थी। इतना कहकर बाली ने उसे एक मुक्का लगा दिया। सुग्रीव ने कहा, भैया भैया सुनो तो, परंतु बाली ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पीटने लगा। सुग्रीव बाली को समझाने की कोशिश कर रहा था, परंतु बाली क्रोध में उसे पीटता जा रहा था। सुग्रीव बाली का सामना अधिक देर तक नहीं कर सकता था। वह बाली से बचता हुआ महल से निकलने लगा तो बाली ने आवाज़ लगाकर कहा, चला जा, देश छोड़कर चला जा, मेरी आंखों के सामने मत आना। रूमा को अपने साथ ले जाने की कोशिश भी मत करना। अगर तू मुझे यहाँ दिखाई दिया तो मैं तेरी जान ले लूँगा। डर के मारे सुग्रीव महल से निकल गया और ऋष्यमुख पर्वत पर शरण ले ली, जहाँ शाप के कारण बाली नहीं आ सकता था। धीरे धीरे सुग्रीव के विश्वसनीय साथी उसके पास आ गए, जिनमें जामवंत एक थे। सुग्रीव को अपने भाई बाली का डर हमेशा सताता रहता था, इसलिए उसने किष्कंधा पर्वत के चारों ओर अपनी वानर सेना को स्थिति पर नज़र रखने के लिए तैनात कर रखा था। हनुमान भी सुग्रीव के सहायक थे। हनुमान के पिता केसरी सुमेर पर्वत के वानर राज थे। उनकी माता का नाम अंजनी था। हनुमान का जन्म आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। हनुमान राजा केसरी और देवी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं। उनसे छोटे मतिमान, श्रुतिमान, गतिमान, केतुमान और धृतिमान थे। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। इन्हें बजरंगबली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वायु अथवा पवन ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी मात्र एक लंगोट पहनते हैं और मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहनते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।